नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। मेरे दोस्त, अब आपकी हीलिंग शुरू होने वाली है। आप अपनी हीलिंग करा रहे हैं। आपकी समस्या चाहे जो भी हो, चाहे वो धन से जुड़ी हो, चाहे वो रिश्तों से जुड़ी हो, चाहे वो आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हो, चाहे वो आपके मन से जुड़ी हो, चाहे वो आपके अध्यात्म से जुड़ी हो, कोई भी समस्या समस्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा अटकी हुई है। ध्यान देना कि आप खुद एक ऊर्जा हो, आप में एक ऊर्जा है और आप एक महान ऊर्जा के भीतर ही एक छोटे से ऊर्जा के गोले हो। जब भी आपके जीवन में कोई भी समस्या है, इसका मतलब ये है कि एक नई ऊर्जा ऊर्जा के अंदर ही बन गई है। अब मान लेते हैं कि ये वो ऊर्जा है ना? ये सिर्फ एक ऊर्जा है, ना ये अच्छी है ना ये बुरी है, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ना ये सकारात्मक है ना ये नकारात्मक है, क्योंकि ये आपके जीवन में वैसा प्रभाव नहीं डाल रही जैसा आप चाहते हैं, या फिर ये कहें जैसा आप चाहते हैं, ये इसकी विपरीत प्रभाव डाल रही है। तो ये ऊर्जा आपको नहीं भा रही, तो इस ऊर्जा को आपको इस ऊर्जा में बदलना है, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भा रही है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, जिसके साथ आप सहजता से जीवन को जी पा रहे हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? आपको ऊर्जा को यहाँ से यहाँ लेकर आना है, मतलब कि सिर्फ इसकी जगह पे इसे रखना है, उसी ऊर्जा को परिवर्तित करना है। और ये कैसे होगा, आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप कैसे अपनी ऊर्जा को अपने भीतर देखते हैं। मैं आपको देखना नहीं सिखाऊंगा, अपितु उस ऊर्जा को ही बदलकर आपकी दृष्टि में उस ऊर्जा को बदल दूंगा। ये पूरी एक प्रक्रिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लामा फेरा का वस्त्र पहन रखा है। रेकी हीलिंग, लामा फेरा, एंजल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग या स्वर विज्ञान जिसे हम कहते हैं, या चक्रा हीलिंग, ये सभी एक ही विधाओं के अलग अलग स्वरूप हैं। तो लामा फेरा के जो हीलर होते हैं वो इस तरह के गेरुवे रंग का वस्त्र पहनते हैं। ये पारंपरिक वस्त्र है जो मैंने पहना हुआ है, ताकि आप ये जान सकें कि जब हम हीलिंग करते हैं तो हम पारंपरिक वस्त्र का प्रयोग करते हैं। यदि कोई और लामा फेरा हीलर से आप मिले होंगे, या आप खुद एक लामा फेरा हीलर हैं, तो वो इस तरह का गाउन पहनते हैं। समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं, ये उन्हीं परिवर्तन में से एक है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारे गुरु ऐसे ही वस्त्र पहना करते थे, इसलिए हम भी वैसे ही वस्त्र पहने, क्योंकि पुराने समय में सिलाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी। तो आगे बढ़ते हैं। लामा फेरा की ही हीलिंग टेक्निक से मैं ज़्यादातर हीलिंग करता हूँ, जिसके अंदर रेकी हीलिंग भी आती है। तो अब हम समझते हैं कि आपकी हीलिंग कैसे होगी और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे हीलिंग आपकी हो रही हो या किसी और की आप हीलिंग करा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आप रिसीवर बनेंगे। अगर जिसकी हीलिंग हो रही है वो हीलिंग का रिसीवर नहीं बनना चाहता, या वो किसी वजह से वो उसको पता ही नहीं है कि उसकी हीलिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको रिसीवर बनना पड़ेगा। मैं इसे उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि जैसे मोहल्ले में, कॉलोनी में एक नल वाले भैया होते हैं जो सुबह सुबह 7 बजे नल खोलते हैं और पानी आपके घर तक आता है, लेकिन उस पानी को रिसीव करने के लिए किसी को होना होता है ना, मतलब बाल्टी में जो पानी भरेगा वही उसका रिसीवर बनेगा,
मतलब केवल नल खोलने वाले भैया के नल खोल देने से ऊर्जा यानी कि पानी नहीं मिलेगी आपको, किसी को रिसीव करना होगा। तो जिसकी हीलिंग हो रही है या तो वो उसे रिसीव करेगा या फिर जो हीलिंग किसी की करा रहा है वो रिसीव करेगा। तो रिसीवर किसी एक को बनना होगा। अब रिसीवर कैसे बनते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये पूरा अध्याय आपको समझना है, ये एक एक करके आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जब भी हम रिसीवर बनते हैं तो हमें ध्यान की अवस्था में लेटना होता है। ध्यान के लिए एक मेडिटेशन मैं आपको देता हूँ जो कि मेरी ही आवाज़ से बनी होगी, जो कि इसी इसी जगह पे इसी स्थान पे मैं धीरे से आपको बना करके दूंगा ताकि आप उस हीलिंग के साथ जुड़ाव महसूस कर सकें। जब भी हम ध्यान की अवस्था में होते हैं हीलिंग के समय, हमारी हीलिंग 3 गुना तेज़ी से होती है। तो ध्यान की अवस्था में ही सबसे अच्छी हीलिंग होती है। तो मेरी ही आवाज़ में आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलेंगे, आप अपने आप को एक ध्यान की अवस्था में पहुंचाएंगे। तो चलिए कुछ और नियमों को हम समझते हैं। जब हम हीलिंग करते हैं तो पहले 11 से 21 दिन आपको क्षमादान प्रार्थना करना होता है कर्मों की शुद्धि के लिए। एक बात आप जान लीजिए कि जो भी हमारे जीवन में कष्ट हैं, जो भी हमारे जीवन में दुख हैं, तकलीफें हैं, वो हमारे ही कर्मों से पैदा किए हुए हैं, हमारे ही प्रारब्ध हैं जो हम भोग रहे हैं। तो प्रारब्ध से बाहर निकलने के लिए, अपने कर्मों से बाहर निकलने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है क्षमादान प्रार्थना। मतलब जब भी आप किसी से क्षमादान मांगते हैं आप उस पाप से बाहर निकल आते हैं। क्षमादान प्रार्थना में क्या होता है? जो क्षमादान प्रार्थना हम आपसे कराते हैं उसमें आप इस ब्रह्मांड से क्षमा मांगते हैं, परमात्मा से क्षमा मांगते हैं, अपने आसपास के लोगों से क्षमा मांगते हैं, अपने किए हुए जाने अनजाने कर्मों के लिए क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं अपने आप से, क्योंकि जाने अनजाने आपने अपने प्रति भी बहुत सारी गलतियां कर रखी है जो शायद आपको अभी नहीं पता है ना। और इसके बाद आप क्षमा करते हैं जिनसे आपकी कोई भी नाराज़गी हो, आप उन्हें क्षमा करते हैं। जिन लोगों ने आपको दुख दिए हैं, जिन लोगों ने आपको आहत किया है, आप उन्हें भी क्षमा करते हैं। और इसके साथ आप अपने आप को भी क्षमा करते हैं अपनी बहुत सारी गलतियों के लिए, और क्षमा करके आप मुक्त हो जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि क्षमा करने का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि सामने वाला सही था या सामने वाले ने सही किया था या सामने वाले की गलती नहीं थी। माफ़ करने का मतलब केवल इतना है, क्षमा करने का मतलब केवल इतना है कि आप उस दुखद अतीत से बाहर निकल आए, दुखद अतीत से आप अपने आप को अलग कर पाए, उस कॉर्ड को अपने इस नाभि से, नाभि चक्र से कट करके अलग कर पाए ताकि आप डिस्कनेक्ट हो जाएं उस सारे सारे दुखद अतीत से, और तभी आप सबसे अच्छा हील होंगे। दिक्कत ये इस बात की ही है कि हम कहीं ना कहीं अपने पास से जुड़े होते हैं, उस अतीत से जुड़े होते हैं। वो चीज़ें होकर ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसका जो ट्रॉमा है वो कहीं ना कहीं हमें बार बार दुख दे रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रिश्ते का हो, चाहे पैसों का हो, कुछ भी। तो क्षमादान प्रार्थना आप करेंगे जिसका वीडियो इसके ठीक दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको। अब इसके बाद 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें क्या होगी? बहुत सरल नियम है। पहला, अपनी हीलिंग के समय, हीलिंग का समय जो होता है सुबह के 5:30 बजे का सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि उस समय मैं हील करता हूँ। लेकिन कभी आपसे वो समय छूट जाए तो आप किसी और समय पे भी हीलिंग रिसीव कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम 5:30 AM इन अ मॉर्निंग, ठीक है। आपको एक वस्त्र रखना होगा जो रोज़ आप हीलिंग के समय उसे पहनेंगे, जो ध्यान के समय आप पहनेंगे। वो वस्त्र कोई पुराना सा वस्त्र हो सकता है, उजले रंग का वस्त्र हो सबसे अच्छा है, बिल्कुल धुला हुआ, ढीला, नरम कपड़ा,
एक ऐसा पुराना कपड़ा जो कई बार धुल चुका है, अगर वो फटा पुराना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पुराना कोई लोअर टी शर्ट, कोई गाउन, कोई धोती कुर्ता, आप कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा, एक पानी का बर्तन, एक जल पात्र। जल पात्र चाहे तो प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कांसे का हो, चांदी का हो, स्टील का हो तो भी चलेगा, मतलब कि मेटल का हो, धातु का हो या फिर कांच का हो। अगर क्रिस्टल्स डले हुए बॉटल हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। हम सब हीलर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण के लिए हम अपने सातों चक्रों में से किसी एक चक्र को ऊर्जा से भर रहे होते हैं। तो अगर आप आज्ञा चक्र पर काम कर रहे हैं तो एमेथिस्ट है, वैसे ही मूलाधार चक्र पर काम कर रहे हैं या मणिपुर चक्र पर काम कर रहे हैं जिसकी ऊर्जा को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए अलग अलग क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके इन बॉटल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है करें, अगर आप ये कर रहे हैं तो उसी बॉटल का प्रयोग करें, क्योंकि ध्यान के समय ऐसे ऊर्जा से भरे हुए बॉटल का प्रयोग सबसे अच्छा होता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमें एक पानी का बर्तन ज़रूरी है जिसमें हम पानी पियेंगे। अब सवाल ये बनता है, क्या पूरे दिन उससे ही पानी पीना है? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ ध्यान से पहले उसका पानी पीना है। ध्यान करने से पहले हम इस बर्तन का पानी पियेंगे। पानी पीने से पहले इसे हाथ में रखकर, हे परमपिता परमात्मा, आज मेरी हीलिंग हो रही है, कहीं दूर आपके ही भेजे हुए एक हीलर मुझे हील कर रहे हैं, तो उन पर अपनी कृपा करना, मुझ पर अपनी कृपा करना और मेरी हीलिंग को बहुत अच्छे से हो पाए, इसके लिए हम सबको आशीर्वाद देना और अपने हाथों से मुझे हील करना प्रभु। इस तरह प्रार्थना करके इस जल को आप पी लेंगे, ग्रहण कर लेंगे और इस तरह से आप हीलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अब है तीसरा काम, एक आसन। आपको एक बात बताऊं, ये जो आसन है करीब 12 साल पुराना है, 12 सालों से इसमें मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये बहुत कई कई जगहों से फट सा गया है, लेकिन ये किसी भी महंगे या नए आसन से मेरे लिए ज़्यादा कीमती है, क्योंकि मैं 12 सालों से इसमें मेरी ध्यान की ऊर्जा है। आप में से ही बहुत लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे शिष्य हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, कभी कभी गुरु दक्षिणा के रूप में या भेंट करने के लिए मुझे ऐसे ध्यान के लिए देते हैं, आप लोग कपड़े देते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे भेंट करते हैं, मैं सारी चीज़ों को प्रेम से रख लेता हूँ, लेकिन जो ध्यान के लिए आप लोग आसन देते हैं वो मैं उसे ही किसी और स्टूडेंट को भेंट कर देता हूँ, किसी और शिष्य को भेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसे नहीं बदलना चाहता। तो वैसे ही आप अपने ध्यान के लिए जो आसन प्रयोग करेंगे उसे नहीं बदलना, रोज़ एक ही आसन में ध्यान करना, रोज़ एक ही वस्त्र पहनना, रोज़ एक ही बर्तन पे पानी पीना और इस तरह से आपकी हीलिंग सर्वोत्तम होगी, ना केवल उस लिए जिसके लिए आप हीलिंग करा रहे हैं, अपितु आपके जीवन के सभी सब्जेक्ट्स पर, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, आपके पांचों हेल्थ की हीलिंग होगी, क्योंकि हीलिंग के समय हम आपके सातों चक्रों को हील कर रहे होते हैं। चौथा, अगर आप अपने जीवन में ध्यान में और आगे जाना चाहते हैं या आप खुद भी एक हीलर बनना चाहते हैं और आप खुद भी समाधि की तरफ जाना चाहते हैं और ज़्यादा कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन में फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हीलिंग के समय क्रिस्टल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये नॉर्मल टम्बल्स हैं, सेवन चक्रा क्रिस्टल्स हैं, इनमें से कोई भी क्रिस्टल जो आपके पास उपलब्ध है तो दो क्रिस्टल्स को, दो टम्बल्स को अपने हाथों में रख सकते हैं। जैसे ये क्लियर क्वार्ट्ज़ है, ये येलो सिट्रीन है, तो इन दोनों क्रिस्टल्स को आप अपने हाथों में रख लेंगे और ध्यान की अवस्था में लेट जाएंगे। मतलब जिस टाइम पे आप ध्यान के समय आपके पास आपका क्रिस्टल होना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो ध्यान की सारी ऊर्जा को सोख लेता है और अपने पास स्टोर कर लेता है, और बाद में जब आप ध्यान से उठ चुके हैं तो वही ऊर्जा को आपको बैटरी की तरह वापस देता रहता है। मतलब कि जिस समय आपने 15 मिनट का ध्यान किया उस समय तो आपको बहुत सारी ऊर्जा आपके अंदर पैदा हुई, जो हवा में विलीन भी हो गई, उसमें से बहुत सारी ऊर्जा को इसने सोख लिया और बाद में वही ऊर्जा को आपको दे रहा है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कोई भी टंबल, कोई भी ब्रेसलेट हो, कोई क्रिस्टल्स की माला हो, सेवन चक्रा वाले
जो पिरामिड्स होते हैं, पेंसिल्स होते हैं, टम्बल्स होते हैं, अर्थ होते हैं, आप कोई भी क्रिस्टल जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे अपने पास ज़रूर रखें ताकि उस आपकी ही ऊर्जा से वो चार्ज हो जाए। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। तो ये चौथा जो है वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, वो हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक, आपकी हीलिंग वैसे भी अच्छे से हो रही है, तो इस तरीके से आपकी हीलिंग पूरी होगी। इसमें और कोई सवाल तो नहीं बचता है, लेकिन फिर भी दो तीन बातों को आप ध्यान रखें कि कभी अगर कपड़े गंदे हो गए, आपको लगता है कि धोना चाहिए, तो आप धो करके एक दिन के लिए दूसरा कपड़ा भी पहन सकते हो। आपको अगर ऐसा लगे कि किसी दिन आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है या आपका बिल्कुल आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई नहीं तो सिर्फ लेट जाना, सो जाना। तीसरा कि ध्यान के समय कई बार ऐसा होता है कि हम सो जाते हैं, तो अगर ऐसा लगे कि आप सो चुके थे तो घबराना मत, क्योंकि अवचेतन मन वही कर रहा होता है जो उसे कहा जा रहा है। तो आप अपनी हीलिंग प्रैक्टिस को ज़रूर से करना, रेगुलर से करना, और इस तरीके से आपकी हीलिंग पूरी हो जाएगी। इसके ठीक बाद आपको क्षमादान प्रार्थना मिलेगा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको पहले नंबर का वीडियो मिलेगा जिसे सुनकर आप ध्यान करेंगे। ध्यान बेशक सुबह के 5:30 बजे करने का है, पर अगर वो छूट जाए तो किसी और समय पे भी कर सकते हैं, और दिन में कितने बार भी कर सकते हैं। आपको लगे कि मैं दूसरी बार करना चाहता हूँ, मैं तीसरी बार करना चाहता हूँ, मैं चौथी बार करना चाहता हूँ, तो भी उसी ध्यान को आप करिएगा। डे फर्स्ट का ध्यान डे फर्स्ट पे और डे सेकंड का ध्यान डे सेकंड पे। हम इस हीलिंग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सारे सिम्बॉल्स मैं इस्तेमाल करूँगा, सारी हीलिंग टेक्निक मैं इस्तेमाल करूँगा, आपको केवल रिसीवर बनना है, चाहे खुद के लिए हो या किसी और के लिए हो। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते अजी।